नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। लड़की हो तो ज्यादा बाहर मत घूमो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। देर रात तक बाहर नहीं रहना, बेटी को ज्यादा छूट दी तो बिगड़ जाएगी। उम्र ज्यादा हो गई तो इससे कोई शादी नहीं करेगा। घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। अगर आप एक लड़की हैं तो जाहिर है कि आपको ये सब बातें अक्सर सुनने को मिलती हो। चाहे हमारा देश और ये दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिसमें लड़कियों को डिमोटिवेट किया जाता है, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। लड़कियां ओलंपिक से लेकर चांद तक पहुंच गई हैं, फिर भी कई लड़कियों को अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो समाज की दकियानूसी सोच को अपनी हिम्मत और जज्बे से बदल रही हैं। ऐसा ही एक नाम है कविता कुंबले का। कविता कुंबले ने जब अकेले ट्रैवल करने का फैसला किया तो उन्हें भी समाज के कथित ठेकेदारों से ऐसी ही बातें सुनने को मिली। नो मोर आजादी की तख्ती उन्हें श्रृंगार की तरह पहनाई गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और सिर पर 21 टांके लगने के बावजूद भी अकेले भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 35 देशों की यात्रा की। मुंबई की कविता कुंबले ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 14 साल की बैंक की नौकरी छोड़ दी और जुनून जज्बे के साथ बिना किसी की परवाह किए निकल गई एक ट्रैवल ब्लॉगर। कविता को ये शौक उनकी माँ को देखकर हुआ। उनकी माँ ने रिटायरमेंट के बाद महिलाओं के समूह के साथ घूमना फिरना चालू रखा और यही देख कविता को भी घूमने का चस्का लगने लगा। ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी कविता ने सिटी बैंक में की और यहाँ उन्हें क्लाइंट्स रोज रोज अपने ट्रैवल की स्टोरी सुनाते थे। ये सब सुन के वो सपनों में ही अंटार्कटिका, अमेरिका और ना जाने कहाँ कहाँ घूमा था। सपने बुनते बुनते 2001 में उनकी शादी करवा दी गई और जब 2001 में 9/11 की घटना घटी, उस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के लिए अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर गई, क्योंकि तब सभी तरफ चीजें सस्ती हो गई थी। 2006 में उनकी बेटी हुई और तब वो अपनी माँ को फिर से सिंगापुर लाई क्योंकि उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी। 2008 में वो अमेरिका गई क्योंकि वहाँ उनका भाई काम करता है। इसके बाद ट्रेकिंग के दौरान 2011 में उनका एक्सीडेंट हो गया और सिर में गहरी चोट आई। वो कहती है कि वो चोट इतनी गंभीर थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं जिंदा ही नहीं रही। ठीक होने के बाद तय किया कि जिंदगी कब खत्म हो जाए मालूम नहीं, इसलिए अब जिंदगी को पूरी तरह से जी। इस एक्सीडेंट के बाद 2014 में उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा जब उन्होंने सिटी बैंक की जॉब छोड़ दी और सोलो ट्रैवलिंग की शुरुआत की। इससे पहले वो बस फैमिली के साथ ही ट्रैवल करती थी और सोलो ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें 25 महिलाओं का ग्रुप मिला जिनके साथ डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे की उन्होंने सैर की। इसके बाद ट्रैवलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं और अब तक 35 देशों में कविता घूम चुकी है। इस समय उनकी बेटी भी सिर्फ 10 साल की थी और घर में सभी उनसे नाराज हो गए थे क्योंकि वो अकेले घूमने जा रही थी। उनके हस्बैंड और पापा को बहुत घूमना फिरना पसंद नहीं है, इसलिए घर से उन्हें कभी खुशी खुशी परमिशन नहीं मिली कि वो कहीं घूमने जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना ट्रैवलिंग का पैशन नहीं छोड़ा। हालांकि कविता 35 देशों में घूम चुकी है, लेकिन वो कहती है कि उनकी सबसे यादगार ट्रिप अंटार्कटिका की रही। उस ट्रिप के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे और वो ट्रिप इतनी महंगी थी कि उन्हें लोन तक लेना पड़ा। अंटार्कटिका का क्रूज ही 7 लाख का था और फ्लाइट टिकट 1.5 लाख की थी। एक ट्रिप का खर्च कुल 12-14 लाख का था। ये पहला क्रूज था जो 70 भारतीयों के साथ अंटार्कटिका जा रहा था। कविता को ज्यादातर देशों में घूमने के बाद समझ आया कि दुनिया में लोग सभी अच्छे हैं, वो बस प्यार करते हैं, बस राजनीति उन्हें अलग करती। जब वो नॉर्वे में थी तब वहाँ जैसे ही बस से उतरी उन्हें इंडियन फूड की खुशबू आई और जहाँ पहुंची वहाँ देखा कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिलकर हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अगस्त 14 और 15 का साथ में सेलिब्रेशन चल रहा था। कविता का मानना है कि लड़कियों को अकेले जरूर घूमना चाहिए। वो कहती है, मैंने महसूस किया है कि आपके परिवार में पिता पति कितने ही अमीर हो, लेकिन महिलाओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियली फ्रीडम होगा तो आप अपने हिसाब से जिंदगी के रास्ते बना पाएंगे। अपनी कोजी लाइफ देखकर कमाना बंद ना करें। कविता ने ट्रैवलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर कुछ टिप्स दी जो शायद आपके भी काम आए। किसी भी देश को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि वहां जाने पर लोकल लोगों के साथ रहें, उनके साथ खाना खाएं, उनका कल्चर समझें और होटल में रुकने की बजाय होम स्टे का ऑप्शन चुनें। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।